नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एम सिक्स श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर यूज़ करते हैं तो किस तरीके से आपको हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके एल्गो ट्रेडिंग करना है, ठीक है। वहाँ पर 10-12 अलग अलग ब्रोकर्स को हमने दिखाया था कि कौन कौन से ब्रोकर्स हैं जिस पर आप आके एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें भी हम अपने एक अलग इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि फ्री इंडिकेटर है, गूगल पे भी अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इंडिकेटर के ऊपर ट्रेडिंग भी करते हैं। इंडिकेटर का नाम है हाफ ट्रेंड। हाफ ट्रेंड का जो इंडिकेटर है वो सिमिलर टू लाइक सुपर ट्रेंड जैसा ही दिखता है। देख, अगर आप उसे देखेंगे तो सुपर ट्रेंड जैसा सा कुछ दिखाई देता है, और उस पर बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों की हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, बोलते हैं कि हाफ ट्रेंड के ऊपर हमें स्ट्रेटजी बनवानी है, तो हमने उसको डिफ़ॉल्ट बना ही दिया है ताकि ज़्यादातर लोगों के पैसे बचें। क्योंकि हर आदमी अगर कस्टम स्ट्रेटजी बनाने जाएंगे तो उनमें पैसे काफ़ी लग जाते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं, कोई आपकी कस्टम स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि भाई मुझे उस पर ट्रेडिंग करना है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आके वो काम भी कर सकते हैं। हम आपको एक ईमेल भेजना होगा हमें विद डॉक्यूमेंट, उसमें आपको लिखना होगा कि बाय कब करना, आपको सेल कब करना है, स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह क्या रखने हैं। उसके हिसाब से जो आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे, हम आपको उसके हिसाब से कोटेशन बता देंगे, और आप अपनी पर्सनल किसी भी स्ट्रेटजी पर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनवा सकते हैं, जो कि हम MT4 में या फिर ट्रेडिंग व्यू में बना के दे देते हैं। तो उस पर बनाने के बाद आपका ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब जो भी हमारा फंक्शन है वो हम सब ऐड कर देंगे एल्गो क्रैप के, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सिंबल क्रिएट करो, इंस्ट्रूमेंट की और यूज़र की डालो, और बस उसके बाद सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इंडिकेटर का नाम जो हमने बताया वो है हाफ ट्रेंड। हाफ ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो सिमिलर टू सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड के जैसा होता है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। सुपर ट्रेंड अलग वे में काम करता है, ये अलग तरीके से काम करता है। तो वीडियो में आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करनी है अगर हम हाफ ट्रेंड पे यूज़ करते हैं, और किस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होगी, किस तरीके से ट्रेड आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, जो कि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस हैं। एल्गो ट्रेडिंग के बारे में आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम एल्गो ट्रेडिंग के बारे में ही वीडियोस डालते हैं। एल्गो ट्रेडिंग, और हम अप्रोच भी करते हैं ज़्यादातर ट्रेडर्स को कि वो एल्गो ट्रेडिंग ही करें, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग करने से फ़ायदा ये होता है। देखो, लोग कई बार पूछते हैं क्या फ़ायदा होता है एल्गो ट्रेडिंग करना, क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा है इसका। तो फ़ायदा सबसे बड़ा इसका ये है कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं इसमें। यानी कि अगर आपने कोई ट्रेडिंग की है तो उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, यानी आधा परसेंट लगा दिया तो आधा परसेंट स्ट्रिक्ट है, आपका ट्रेड कट जाएगा। लेकिन हम जब मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं वहाँ इमोशंस बीच में आ जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं ट्रेड को लेके। अब वो ट्रेड में हमारा नुकसान हो रहा है, चाहे वो 10% नुकसान चला जाए हम काटेंगे नहीं, 15% 20% वो बढ़ता चला जाता है। एक ही ट्रेड में इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में हाथ पैर कांप जाते हैं कि अब क्या करें, अब इसको काटें या नहीं काटें, क्या करें। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ना सबसे मेन चीज़ ये है, ठीक है प्रॉफिट कम होगा, ठीक है ये ज़्यादा होगा या जो भी मैटर है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, आधा परसेंट अगर आप कैपिटल का रिस्क ले रहे हो तो आपकी जो 100% कैपिटल है उसका 200 बार लगातार लॉस होने पे, 200 बार लगातार आधा आधा परसेंट का लॉस होने पे जाके आपका जो है 100% कैपिटल खत्म होता है, और 200 बार लगातार स्टॉप लॉस होगा ऐसा तो होता नहीं है मार्केट में। 200 बार लगातार स्टॉप लॉस लग जाए तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आएगी, एक्यूरेसी निकल के आएगी। दूसरी चीज़, आप पैनिक नहीं होगे, तो जब आप पैनिक नहीं होगे तो ट्रेडिंग प्रॉपरली चलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करेगा हाफ ट्रेंड का इंडिकेटर। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना है एल्गो क्रैप के प्लेटफॉर्म में। तो एल्गो क्रैप के प्लेटफॉर्म पे जब आप जाएंगे, www.algocrab.com पे जाना है आपको। वहाँ पर ऊपर ऊपर आपको एक लॉगिन का बटन मिलेगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ।
जब आप algocrab.com पे जाओगे तो ये वाली वेबसाइट खुलेगी। ये वाली वेबसाइट पे आपको दिख क्या रहा है, ये सुपर ही ऊपर सीधे हाथ पे आपको बटन दिख रहे हैं साइन अप और लॉगिन। अगर आप पहली बार अकाउंट खोल रहे हो, अगर पहली बार आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो साइन अप करो, अगर आप ऑलरेडी हो, आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो लॉगिन करिए। साइन अप करते टाइम आपको अपनी क्रेडेंशियल्स डालनी है। यहाँ पे सारी क्रेडेंशियल्स डालने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, वो ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन पे ओके कर देना, कंफर्म कर देना है उसको, ठीक है। ईमेल आपको स्पैम में भी मिल सकता है, इनबॉक्स में भी मिल सकता है। तो जैसे ही ईमेल आएगा आपको उसको कंफर्म कर देना, उसके बाद फिर वापस वहाँ पर से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, ये लॉगिन का पेज आ जाएगा, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपका काम शुरू हो जाता है। तो अब इसमें मैं लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है, लॉगिन कर दिया मैंने। अब लॉगिन करने के बाद क्या है, डैशबोर्ड आ रहा है, डैशबोर्ड में कुछ स्ट्रैटेजीज आ रही हैं। मैं एक दो चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ, कई बार क्योंकि व्यूअर्स ना पूछते हैं इसके बारे में कि ये क्या है और मतलब इसमें प्लेटफॉर्म कैसे कैसे काम करता है। देखो, बेसिकली एल्गो क्रैब पे जो हमारे पास ब्रिज का सिस्टम है ना, जो एल्गो ट्रेडिंग करने का सिस्टम है ना, उसमें हमने हर तरीके के ट्रेडर्स को ध्यान में रखा है। पहली चीज़ तो ये, जो लोग चार्टिंग करते हैं, यानी कि जो लोग MT4, एमी ब्रोकर, ट्रेडिंग व्यू, कोई भी चार्ट यूज़ करते हैं, वो क्या है, जो चार्टिंग करते हैं वो फुल टाइम ट्रेडर, वो चार्टिंग ही करते हैं, तो उनको चार्ट्स बहुत ज़रूरी चाहिए ही होता है। तो जिनको चार्ट चाहिए उनके लिए हमने बनाया ब्रिज, ब्रिजिंग सिस्टम, यानी कि MT4 ब्रिज हो गया, यूनिवर्सल ब्रिज हो गया, ठीक है। आप एमी ब्रोकर्स करते हैं, आप ट्रेडिंग यूज़ करते हैं, आप यूनिवर्सल ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। आप MT4 से करते हैं, MT4 ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। और कुछ स्ट्रैटेजी हमने फ्री भी दिए हैं उसमें, अगर आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यूनिवर्सल ब्रिज पर जाओगे ना, तो यूनिवर्सल ब्रिज पर आपको नीचे फ्रीबीज दिखेंगे। ये देखो, ट्रेडिंग व्यू की फ्रीबीज हैं, 6 इंडिकेटर हैं जिनको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। एमी ब्रोकर पर क्लिक करेंगे तो एमी ब्रोकर की भी यहाँ पर 5 फ्रीबीज दे रखे हैं जिनको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। एमी ब्रोकर आप यूज़ करते होंगे, आपको पता होगा कैसे एमी ब्रोकर चलाना, बस ये जो AFL होती है वो यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, इनपुट वगैरह डाल देने और आपका जो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे ट्रेडिंग व्यू में इनको जाके पाइन स्क्रिप्ट में जाके नीचे पेस्ट कर दो, सेव कर दो और उसके बाद अपने आप ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो और MT4 ब्रिज में क्या है कि अगर आप MT4 को यूज़ करते हैं तो आप MT4 ब्रिज से अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। MT4 ब्रिज में जो भी सिग्नल बनेंगे उस सिग्नल को ये ऑटोमेटिकली MT4 से उठा के और आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे डाल देगा। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, जो मेन डैशबोर्ड जो आपका आता है ना। अब बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको चार्टिंग के बारे में नहीं पता, या फिर जो जो काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जिनके पास वक्त नहीं है कि वो चार्टिंग करें या वो मार्केट वॉच करें या देखें चार्ट्स को या मार्केट के ट्रेंड्स को समझने को, जिनको ये सब नहीं पता या जिनको ये सब नहीं करना या जिनके पास वक्त नहीं है, उनके लिए हमने बनाया है ये स्ट्रैटेजीज़ का टैब। स्ट्रैटेजीज़ के जो टैब है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप क्विकली जो है ना चीज़ें कर सकते हो। जैसे कस्टमाइज स्ट्रैटेजी पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर देखो अलग अलग चीज़ें दी हैं, सिग्नल्स दिए हैं, सिग्नल्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हो अभी कौन सी स्ट्रैटेजी देखनी है, ठीक है। उसके जो सिग्नल्स, जो रनिंग सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे कि कौन कौन से सिग्नल्स चल रहे हैं, कौन से सिग्नल में बाय चल रहा है, कौन से में सेल चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। परफॉर्मेंस के टैब में आपको ये बता देता है भाई कौन सी स्ट्रैटेजी का किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी में क्या। देखो ये यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है 200 सिग्नल आए मनी मशीन की स्ट्रैटेजी में, 200 सिग्नल में जो टोटल प्रॉफिट है वो 2050 पॉइंट के आसपास है और 65% की एक्यूरेसी आई, यानी कि 100 अगर सिग्नल आए तो 65 सिग्नल प्रॉफिट के थे और बाकी के जो सिग्नल थे 35 के आसपास वो थे लॉस के। ऐसे ही इस तरीके से पूरा यहाँ पे डेटा आता है जो भी आपको देखना है परफॉर्मेंस। और एक आता है यहाँ पे हीट मैप का सेक्शन, जो सबसे पहले आपको जाना है हीट मैप के सेक्शन में ही जाना है। हीट मैप के सेक्शन में जाकर स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर लो, कोई सी भी स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ करते हो उसको सिलेक्ट कर लो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। ये देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही, कितने परसेंट एक्यूरेसी किस में आई थी, कितने परसेंट किस में आई थी, कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। ये यहाँ से आपको ना एक ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई ये वाली स्ट्रैटेजी में ये वाले सिंबल में अच्छा काम कर रहा है। तो आप क्या करो भाई, आपको लगता है कि ये वाली स्ट्रैटेजी में बढ़िया काम कर रहा है तो ये वाली स्ट्रैटेजी में जाके आप देख लो प्रॉफिटेबिलिटी आपके अकॉर्डिंग ठीक है नहीं है, क्योंकि ये सब इंट्रा, जैसा मनी मशीन है, इंट्राडे है, ठीक है, पोजिशनल का कोई चक्कर नहीं है। कल कोई ट्रेड ले जाकर ये नहीं चक्कर कि कल को ट्रेड ले जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा मेजर लॉस हो जाएगा, ऊपर गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, उसका कोई चक्कर ही नहीं है। सीधा सीधा इंट्राडे ट्रेड है, आज ट्रेड हुआ
जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आज ही खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगले दिन के लिए वेट करो, अगले दिन फिर सिग्नल आएगा तो ट्रेड हो जाएगा। एक्यूरेसी के लेवल्स जैसे देखो, बैंक निफ्टी में दिखा रहा है 70% के आसपास 69.50% एक्यूरेसी है, टोटल प्रॉफिट जो है 6700 पॉइंट्स के आसपास का है। तो इसमें क्या है, 200 सिग्नल का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो दिखता है, लेटेस्ट 200 सिग्नल का, किसी में कम भी है, जिसमें जितने जितने सिग्नल बने अभी तक हमारी स्ट्रेटजी लगाने के बाद, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो ट्रेडर जिनको बिल्कुल नहीं पता कि मतलब चार्टिंग कैसे करनी है, चार्ट्स को यूज़ कैसे करना है, ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, या इंडिकेटर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, या जिनके पास वक्त नहीं है, वो लोग आके ये स्ट्रेटजीज वाले टैब पे काम कर सकते हैं। सिंपली जाओ, परफॉर्मेंस देखो, ठीक है, हीट मैप देखो, एक कॉपी पेन लेके तीन चार, मतलब कुछ 10-15 मिनट का वक्त लगेगा, 3-4-5 सिंबल जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो निकाल लो और उनको सेट करके छोड़ दो। सिंपली पूरा महीना उसमें लगातार ट्रेड होता रहेगा, और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा सिस्टम है सर, 70% के आसपास की एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, 60-70% एक्यूरेसी आएगी, और प्रॉफिटेबिलिटी भी तो आती है, टारगेट 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, वहाँ पर रिकमेंडेशंस अलग अलग हैं, हमने आपको प्रॉपर बताया हुआ है, पूरा का पूरा पैनल में जब आप कस्टमाइज करने जाओगे स्ट्रेटजी तो उसमें आपको दिख जाएगा। इसके विषय में वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, और भी मैं ब्रीफ वीडियो बना के आपको बताऊँगा। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे, और अब देखते हैं हमें कैसे MT4 में, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको प्रॉपर ब्रीफली बताया था MT4 में क्या क्या करना होता है, सेटिंग कैसे करनी होती है, सिर्फ अभी इस वीडियो में मैं क्विकली आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास MT4 नहीं है वो MT4 डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे MT4 आ गया, MQH आ गया, MQH की फाइल और MT4 दोनों चीज़ें डाउनलोड करनी है, MT4 को रन करना है, MT4 रन करने के बाद ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको फाइल में जाना है, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट में जाना है, यहाँ पे लॉगिन कर देना है, ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के, जो भी हम देंगे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाइए, कॉल कीजिए डेमो का नंबर, या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए MT4 का आईडी पासवर्ड चाहिए, हम आपको MT4 की डिटेल दे देंगे। आके यहाँ पे डिटेल डालनी है, डिटेल डालने के बाद लॉगिन के बटन को प्रेस करना है, लॉगिन के बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे नीचे बॉटम पे देखोगे ग्रीन कलर की और रेड कलर की लाइनें आ जाएंगी, इसका मतलब कनेक्शन चालू हो गया आपका, ठीक है। अब मार्केट वॉच में जो है सिंबल लगे होते हैं, नेविगेटर में आपको जाके पेस्ट करना है वो इंडिकेटर जो आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो आप इंडिकेटर कहाँ से डाउनलोड करोगे, इंडिकेटर के लिए आपको जाना है यहाँ ब्रिज टूल में, ब्रिज टूल में जाने के बाद मार्केट प्लेस में, मार्केट प्लेस में हाफ ट्रेंड लिखा हुआ है दिख रहा है आपको, सेकंड नंबर पे हाफ ट्रेंड, डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करोगे नीचे इंडिकेटर डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हुआ पड़ा है मेरे पास, ठीक है। आप क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे जो एक वन टाइम सेटिंग है, टूल्स में जाना है, ऑप्शन में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजर्स में आना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अलाउ DLL करके ओके कर देना है, ठीक है। अलाउ DLL करके ओके कर दिया, बस उसके बाद सेटिंग सारी खत्म हो गई, एक लास्ट फाइनल चीज बची है जो इंक्लूड की फाइल, ठीक है। इंक्लूड की फाइल पेस्ट करने के लिए क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, और उसके बाद आपको जाना है MQL4 में, उसके बाद जाना है आपको इंक्लूड में, और यहाँ पे जाके वो HTTP वाली फाइल पेस्ट कर देनी है। ये वन टाइम सेटिंग है, एक ही बार करनी है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन इंडिकेटर पे, ठीक है, जो हाफ ट्रेंड वाला मैंने आपको बताया था कैसे चलेगा, कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सिल्वर माइक्रो का चार्ट लगाते हैं आज, ठीक है, ये सिल्वर माइक्रो का चार्ट लगाया मैंने, इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम कर दिया। अब ठीक है, एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ आपको, वो चीज़ ध्यान रखनी है, देखो, क्योंकि मैं करता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ कि भाई ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कैसे होगा, सिग्नल कैसे जनरेट होगा, इसके लिए मैं ज़्यादातर 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, पैरामीटर भी मैं बहुत छोटे कर देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी सिग्नल जनरेट हो सके, क्योंकि अब वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में पता नहीं आज सिग्नल आएगा या शाम को आएगा, अब शाम तक वीडियो तो बना के ऐसे इसको बाकायदा कैमरा वैमरा लगा के इसको तो सेट करके छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जल्दी सिग्नल प्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पे हमें 1 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, आप अपने पास पर्सनल 1 मिनट चार्ट यूज नहीं करोगे, अगर आप करोगे तो फिर 50-60 ट्रेड हो जाएंगे और नुकसान ही होगा आपको, प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मैं जो कर रहा हूं अभी यहां पे वो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि सिग्नल आने के बाद ट्रेड कैसे होता है, कहां कहां क्या क्या मैसेज आते हैं, कैसे कैसे आपको कंफर्मेशन मिलती है, बस ये चीज दिखाने के लिए 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूं, आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आप आगे देखते हैं इसको, ठीक है। सिल्वर में ये जो ये आ गया, यहां पे मैंने हाफ ट्रेंड का इंडिकेटर डबल क्लिक किया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इनपुट्स की, ठीक है, इनपुट्स में क्या है, ठीक है। सबसे पहला इनपुट क्या है, सेल सेंड सिग्नल बाय एंड सेल, ठीक है। यहाँ पे आपको ना इनपुट मिल जाते हैं, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनपुट मिल जाते हैं आपको कि बाय एंड सेल दोनों करना है, ओनली बाय करना है या ओनली सेल करना है,
ओनली बाय में क्या होता है कि बाय का जब सिग्नल आता है तो बाय करता है, जब सेल का सिग्नल आता है तो बाय के सिग्नल को वो क्लोज कर देता है यानी स्क्वायर ऑफ कर देता है, लेकिन सेल नहीं करता। ठीक है, ओनली सेल में क्या होता है कि सेल का सिग्नल जब भी कोई फ्रेश आता है तो वो सेल करता है और बाय के सिग्नल पे स्क्वायर ऑफ कर देता है ट्रेड को। ठीक है, लेकिन वो बाय नहीं करता, क्यों? क्योंकि कई बार ट्रेडर्स जो है ना डिसाइड करके रखते हैं कि उनको जो है ट्रेडिंग करना है वो कैसे करना है। ठीक है, उनको मतलब ये डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे को जो ट्रेड करना है उसमें मुझे बाय सेल जो लेना है वो कैसे लेना है, मतलब सिर्फ आज मुझे लग रहा है कि ओनली मार्केट ऊपर ही ऊपर जा सकती है तो मैं बाय का ही ट्रेड करूँगा, आज मुझे लगता है मार्केट नीचे जा सकती है तो मैं सेल का ही ट्रेड करूँगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया कि भाई ओनली बाय करना है ओनली सेल करना है दोनों का ट्रेड करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आ गया ये दूसरा इनपुट जो है, ये है इंडिकेटर का इनपुट, जो हाफ ट्रेंड का इंडिकेटर है उसका इनपुट है, उसमें दो लिखा है, तीन चार पाँच जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा है स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस ऑन या ऑफ, अगर स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो आप जो है स्टॉप लॉस को ट्रू कर दोगे और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस की वैल्यू सेट कर दोगे, टारगेट लगाना है तो टारगेट को ट्रू कर दोगे उसकी वैल्यू वहाँ पे सेट कर दोगे। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैंने बताया था, अब यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टेप्स 10। ठीक है, 10 स्टेप यानी कि हाई, नया हाई लगाने के बाद कितने पॉइंट का जो हो ऊपर जाना चाहिए। जैसे मान लो आपने 100 पे बाई किया था, ठीक है 103 चला गया, तो 103 जाने पे क्या होगा, ये जो 10 पॉइंट है वही बढ़, मतलब 10 पैसे बढ़ाना है या कितने बढ़ाना है वो उस हिसाब से स्टॉप लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि ऊपर मान लो टेक प्रॉफिट में आपने लिखा 5, सॉरी स्टॉप लॉस में लिखा आपने 5, तो 5 रुपये जब ऊपर जाएगी मार्केट तो ये 10 पैसे और ऊपर बढ़ जाएगा स्टॉप लॉस से। मेन वो आपको डिसाइड कर सकते हो, मतलब जैसे आप चाहते हो कि 105 आए तो मेरा स्टॉप लॉस 103 हो जाए, या 110 आए तो मेरा स्टॉप लॉस 107 हो जाए, ऐसे यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो आप, वो पूरी सेटिंग है। उसके बाद ईमेल पासवर्ड डालने हैं, वो आपको एल्गो क्रैब के डालने हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया API ट्रेडिंग ट्रू करना है, मतलब जब ट्रेड करना है एल्गो ट्रेडिंग करना है तो इसको ट्रू रखना है। यूज़र के इंस्ट्रूमेंट की आपको मिलेंगे एल्गो क्रैब से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी दोबारा से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब हम जाते हैं एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे हम जाते हैं MT4 ब्रिज में। ठीक है, यहाँ पे कल का हमारा एक सिंबल लगा हुआ है SBI का, आज हम करेंगे सिल्वर माइक्रो में ट्रेड। ठीक है, सिल्वर माइक्रो लिखा हमने, ये आ गया अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जून का कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते हैं, जून का कॉन्ट्रैक्ट सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट की और यूज़र की, और इसको हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कॉपी का बटन प्रेस करूँगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की जो है वो मैंने यूज़र की मैंने जो कॉपी कर ली है, यूज़र की को मुझे पेस्ट करना है, तो मैं यूज़र की आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की पेस्ट करनी है, इंस्ट्रूमेंट की भी मैं यहाँ से लेके ये मैंने कॉपी की और यहाँ पे मैंने आके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की मैंने पेस्ट कर दी, अब यहाँ पे जो है ये सीज़न डालनी है, अब मैं अपनी जो डिटेल डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सारे डिटेल डाल दी, उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप आ गया, रेगुलर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है, जो भी मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि इसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप में नॉर्मल करना है, MIS करना है, सारी ऑप्शन CNC वगैरह की सबको ऑप्शन है। अगर आप इक्विटी कैश में करते हो CNC यूज़ करना पड़ेगा पोजिशनल के लिए, अदरवाइज नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मार्केट टाइप ऑर्डर, ऑर्डर टाइप मार्केट लेना, लिमिट लेना, जो भी लेना। क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, एक क्वांटिटी हमने सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर हमने यूज़ नहीं किया है, तो अब हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ओके करेंगे ये इंडिकेटर यहाँ पे एरो दिखाने लग गया। एक चीज़ खास बात है वो ध्यान रखनी है कि जब ये एरो दिखा रहा है इसका मतलब इंडिकेटर सही से काम कर रहा है। अगर आपने इंडिकेटर अप्लाई किया और ये एरो वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये होगा कि इंडिकेटर ढंग से अप्लाई नहीं हुआ, कोई ना कोई चीज़ की प्रॉब्लम थी, या तो आपका आईडी पासवर्ड गलत था जो आपने एल्गो क्रैब का डाला है। ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट की वगैरह जो आपने डाली नहीं है, पेस्ट नहीं करी ढंग से, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर सिग्नल बन रहा है, ठीक है ये देखो सिग्नल बन गया, सक्सेस का मैसेज आ गया, ये सेल का सिग्नल बन गया, अलर्ट आ गया, नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सक्सेस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म में, यहाँ पे जाएंगे ट्रेड हिस्ट्री में। ठीक है, ट्रेड हिस्ट्री में देखो ये सक्सेस दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है, ऑर्डर ID भी दिखा रहा है, मतलब ट्रेड हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने एंजल के अकाउंट में और देखेंगे भाई हमारा ट्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आ गया trade.angel पे, यहाँ मेरे को लॉगिन करना है, ये मैंने लॉगिन कर दिया अपना अकाउंट, लॉगिन किया, ऑर्डर्स पे गया। ठीक है, ऑर्डर पे देखो ये सिल्वर माइक्रो का ट्रेड दिखा रहा है कि इनसफिशिएंट फंड की वजह से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फंड इसमें है नहीं, डेमो को देते हैं तो, क्योंकि कई बार ट्रेड करते हैं, बहुत बार ट्रेड करना होता है, तो इसकी वजह से फंड इसमें रख के फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये ट्रेड्स जो होते हैं ये प्रॉफिट की तो होती नहीं है, दिखानी पड़ती हैं आपको बार बार कर करके। तो ये हो गया,
यहाँ पे अब देखो ये ट्रेड हो गया, सारा कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। इस तरीके से ही ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है। जब भी कोई सिग्नल आएगा ट्रेड आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बार सेटिंग कर दिया आपने, बस हो गया, उसके बाद सब कुछ चीज़ें अपने आप चलती रहेंगी। अगर आप चाहते हो, देखो आपके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, प्रॉपर नहीं आती, तो VPS ले सकते हो आप, सर्वर जिसको बोलते हैं। सर्वर पे MT4 चला के छोड़ दो, ठीक है, सर्वर 365 दिन 24 घंटे चालू रहता है, आपका चलता रहेगा, आपका ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। VPS आपको लेना, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, VPS मिल जाएगा। जो हमारा पैकेज है वो 999 प्लस GST का है, जिसमें आपको MT4 भी मिलता है और साथ में एल्गो ट्रेडिंग भी मिलती है। 1000 रुपये में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इससे सस्ता कोई देता भी नहीं है। तो ये हो गया इसके बारे में कि भाई MT4 कैसे काम करेगा और MT4 की सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली आपको बताई। अगर कोई भी और चीज़ आपको नहीं समझ में आई, कोई चीज़ कन्फ्यूज़न है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको प्रॉपरली उसके बारे में जानकारी दे देंगे, A to Z जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप ट्रेडर हैं और आप प्रॉपरली ट्रेड करना चाहते हैं, लॉस से बचना चाहते हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको एक तरीके से इमोशनलेस ट्रेडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इमोशंस नहीं होते। मैंने आपको बताया कि एल्गो ट्रेडिंग का मेन फायदा वो यही है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लग जाता है, आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आप तब तक जाइए एल्गो क्रैप के प्लेटफॉर्म पे, डेमो लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म का, ठीक है, 6 दिन का फ्री ट्रायल है, लीजिए, MT4 इंस्टॉल कीजिए और ऐसे करके देखिए एल्गो ट्रेडिंग कैसे होगी, और ट्रेडिंग करने के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।